हेलो, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एक काउंटिंग यूनिट है, लाइक एज वन डजन। वन डजन मीन्स 12 आइटम्स। सो ग्रूस मीन्स 144 आइटम्स। इट मीन्स लाइक एज डजन, लाइक एज ग्रूस, मोल कंसिडर्ड एज काउंटिंग इट, इट मीन्स 6.022 इंटू 10^23 एज एंटिटीज। एंटिटीज वर यूज फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एज एटम, मोलिक्यूल, आयंस। दीज एंटिटीज वी कैलकुलेटेड एज 6.022 इंटू 10^23। इट्स ए कंसेप्ट ऑफ द मोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन द मोल इज प्रिडिक्टेड? इट इज ए एसआई यूनिट। मोल हमारे पास क्या है भैया? एसआई यूनिट है जिसका हम सिंबल यूज कर रहे होते हैं मोल के फॉर्म में। मोल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हमने बात बात की अभी कि वन डजन का मतलब होता है जैसे 12 आइटम्स हो गए, इसी तरह से ग्रूस का मतलब 144 आइटम हो गए। तो वन मोल का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज। एंटिटीज द वर्ड यूज फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। सो लेट अस अब डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल। ये जो मोल है ये ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप, बाय द मास स्पेक्ट्रोस्कोप द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप इज डिटरमाइंड एज 1.992648 इंटू 10^23 ग्राम्स। यानी कि मैं बड़े बात कर रहा हूं इसकी, कार्बन के 12 आइसोटोप की, जिसका जो मास स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो मास कैलकुलेट किया गया वो कितना ऑब्टेन हुआ था? 1.992648 इंटू 10^-23 ग्राम। और हमें पता है कि वन मोल की अगर मैं बात करता तो हमें कितना ऑब्टेन हो रहा है अभी, यानी कि 12 ग्राम। हम बात कर रहे हैं जिससे वन मोल की अभी पढ़ने वाले हैं, तो वन मोल में हमें 12 ग्राम मिलता है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब हो गया मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई, यानी जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसमें एक एटम का मास कैलकुलेट किया हुआ, तो मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम, यानी कि जो मास है वो वन एटम का कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। तो कार्बन 12 आइसोटोप हमें जो ऑब्टेन हुआ था उसका जो मास है वो कितना ऑब्टेन हुआ? 1.992648 इंटू 10^23 ग्राम। एंड हेंस द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज 12 डिवाइडेड बाई 1.992648 इंटू 10^23 एंड द रिजल्ट ऑब्टेन इज 6.022131367 इंटू 10^23 एटम्स पर मोल। मीन्स अगर मैं बात करूं यहां पर कि भैया हमें टोटल रिजल्ट या नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात कर लूं तो एटम्स 6.022131367 इंटू 10^23 एटम्स आर ऑब्टेन अबाउट दिस मैटर।
सो दिस टर्म्स नोन एज मोल कंसेप्ट या मोल, दिस टर्म्स डिटरमाइंड बाय द मोल इन रेस्पेक्ट ऑफ एंड्रयू एवोगैड्रो 6.00 इनटू 10^23 पार्टिकल्स पर मोल। यानी कि हम वन मोल का जो बात कर रहे होते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में 6.022 इनटू 10^23 पार्टिकल्स पर मोल बात करते हैं। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, एंटिटीज की बात करो आयंस प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जिसकी बात करेंगे एंटिटीज की उनको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे एज ए पार्टिकल्स, मैं इनको एंटिटीज बोलूंगा। तो ये जो वन मोल का जो रेस्पेक्ट है, वन मोल इसका एक यूनिट, इसका जो एक अपने पास नंबर है वो फिक्स कर लिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मोल। अगर मैं बात करूं यहां पे इन एमिलियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट है एमिलियो एवोगैड्रो, तो इसके रेस्पेक्ट पे इसका सिंबल बनाया गया, तो इसके लिए बोला गया डिनोटेड बाय एन और सिंबल दे दिया गया एन ए। सो एन ए रिप्रेजेंटेड वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स 23 एंड ईच। देखिए वन मोल का मतलब अब हमें डिटरमाइन किया गया क्या 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज, ये हम डिनोट किससे करते हैं एन से, एन ए नोट भी डिनोट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कि जो मोल कंसेप्ट है उसका मीनिंग हम क्या समझते हैं, यानी कि मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो अब मोल्स की बात करें, देन मोल्स फॉर्मूला गिवन एज नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एन ए नोट, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, या मैं बोल सकता हूं कि भैया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन ए नोट। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स के अंदर आ जाएगा, यानी यहां किसे डिटरमाइन करेंगे मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज का पता है मैं डिवाइडेड बाय कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, तो इस वजह से मेरा आंसर क्या बन जाएगा भैया नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर इन ए ओजोन सैंपल हैविंग 18.06 इंटू 10^23 एंटिटीज, देन कैलकुलेट मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मोल, कितने मोल बनेंगे भैया, यानी कि कितना दिया हुआ है एंटिटीज, कितनी दी हुई है, कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ओजोन गैस के 18.06 इंटू 10^23। तो मोल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई एन ए नोट, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी कि 18.066 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई एन ए नोट एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23। आंसर कितना आ जाता है मेरे पास टोटल, यानी कि मैं इसको देखू 23, तो आंसर आ गया 30 मोल, इसको मैं कर लेता हूँ 24 ले लेता हूँ बेटा, तो 3 मोल आंसर आ जाएगा, 24 ले लिया ताकि मेरा आंसर कितना आए 30 मोल आंसर आए। इसका मतलब जो आंसर मेरे पास मिलेगा यहाँ पे कितना मिल रहा है 30 मोल, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल जाता है आंसर मोल आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात कर रहे होते हैं कि भैया मोल का मोलर मास, ग्राम एटोमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास,
ये आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होंगे, ताकि हमें मोल्स मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए हम देखते हैं अगली टर्म्स, यानी कि मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास को हम दो पार्ट्स में यहां पे बांटते हैं, एक तो ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि इसको लिखा गया ग्राम एटॉमिक मास, इसको लिखा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास व्हेन स्पीसीज टेकन एज टेकन इन एटॉमिक फॉर्म। ग्राम एटॉमिक मास कब यूज करेंगे, जब हम कोई भी स्पीसीज को एटम्स के अंदर लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल नोबल गैसेज है, हीलियम है, नियोन है, ये नोबल गैसेज के अंदर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एटम की बात करेंगे, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन स्पीसीज टेकन इन एटॉमिक फॉर्म, व्हेन स्पीसीज टेकन इन सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म, देखिए मॉलिक्यूलर मास कब कंसीडर किया जाएगा, जो स्पीसीज को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर बात करें किसी भी सब्सटेंस की, तो हम बात कर रहे होते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया जाता है उनका। जब एटम में बात कर रहे होते हैं तो हमें एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए जो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास है उसका क्या रिलेशन निकलता है, ग्राम एटॉमिक मास किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि मैं बात करूं ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास मास क्या है अपने पास, वास्तव में इट इज ए मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, बोल सकता हूं इट इज ए मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, यानी कि एक मोल एटम्स का मास ही जो होगा वो क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। इसमें बात करें वन मोल की, यानी कि मास ऑफ वन मोल, ठीक है, ऑफ एटम्स, यानी कि एक मोल मेरे पास अगर एटम हो जाएंगे तो उसका मास किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और मास ऑफ वन एटम, यानी एक एटम का मास और नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक एटम का मास से, तो मेरे पास किसका आ जाएगा भैया, एक मोल के रेस्पेक्ट में, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, वन मोल, तो वन मोल हमें चाहिए भैया एटम, और वन मोल को हम क्या कर सकते हैं, एक एटम का मास मान लो ए है, और इसको कंसिडर करेंगे एटोमिक मास यूनिट से, अभी समझेंगे। तो एटोमिक मास यूनिट का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, आगे चलते हैं इसमें, वन मोल इंटू वन एटोमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, इनकी 1/12, तो इसका आंसर कितना आता है, 1.66 × 10^24। तो ये जो अमाउंट थी ना, ये जो अपने पास टर्म्स है एटॉमिक मास यूनिट, अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुकी, यानी कि अब इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये वन मोल के रेस्पेक्ट में कोई एटम ए है तो बोला जाएगा वन मोल के रेस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब वन मोल, हमें पता है अच्छे से कि वन मोल, अगर मैं बात करूं कि वन मोल कार्बन, तो वन मोल कार्बन का जो मास होगा वो हम क्या लिखते हैं भैया, 12 ग्राम, वन कार्बन के रेस्पेक्ट में कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को
हमने किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं वन मोल की बात करूं तो वन मोल का मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट, अगर ये किसमें कन्वर्ट हो गया 12 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आंसर मेरा बनेगा यहाँ पे 12 ग्राम। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए और अच्छे से समझते हैं। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं 1 AMU इसको आप कन्वर्ट करिए 1 ग्राम के अंदर, तो हमें पता है कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि ये जो AMU होगा ये होती है एटॉमिक मास यूनिट, मीन्स इट इज द 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि AMU का मतलब हुआ इट इज द 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो पहले इसको कन्वर्ट करके देख लेता हूं, 1 AMU कन्वर्ट इनटू द 1 ग्राम मीन्स 1 AMU, तो बोल सकता हूं 1/12, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है वो कितना होगा, यानी कि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, सो 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12 एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर ही रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1/NA, और 1/NA का मतलब क्या हुआ 6.022 × 10^23। जब आंसर हम ऑब्टेन करते हैं तो मेरा आंसर कितना आता है 1.66 × 10^-24। तो अब ये यूनिट इसमें कन्वर्ट हो गई ग्राम्स के अंदर, इसलिए अब मैं क्या बात करूंगा कि हमें जो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वास्तव में 1.66 × 10^-24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मींस ये तो 1 ग्राम को हमने 1 AMU किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स के अंदर। तो अगर बात कर लें 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। मींस अगर मैं बात करूं कार्बन 12 AMU, इसका मतलब 12 ग्राम। हाइड्रोजन 2 AMU, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कर लीजिए 14 AMU, इसको लिख दिया 14 ग्राम्स। अब देखिए जब AMU को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वास्तव में इसका मीनिंग हो जाता है भैया 1.66 × 10^-24 ग्राम। यानी कि AMU टर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स में। कार्बन का देखिए, कार्बन यानी कि 12 × 1.66 × 10^-24 ग्राम। यानी कि अब जो यूनिट है हमारे पास किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम्स में। तो ये 12 ग्राम में रिप्रेजेंट करने का मतलब यही तो है कि हम इसको किससे और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1.66 × 10^-24 से, लेकिन हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर चुके हैं इसलिए ये यूनिट रखी जाती है। भैया कार्बन में कितना है AMU, कार्बन का कितना AMU बनता है 12 AMU, 12 ग्राम। नाइट्रोजन 14 AMU कन्वर्ट कर दिया किसमें, 14 ग्राम में, लेकिन इस ग्राम का मतलब वास्तव में मीनिंग क्या हुआ 1.66 × 10^24। इससे ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे भैया जब भी AMU टर्म्स को किसमें कन्वर्ट किया जाए, ग्राम्स में। दूसरी बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है वास्तव में, इट इज ए मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो बोल सकते हैं क्या है, इट इज ए मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं यहां पे, ये मास किसका है, वन मोल मॉलिक्यूल्स का है। तो चेक कर लेते हैं इसमें वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वन मोल मॉलिक्यूल्स इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका भी हो गया
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखो इस तरह से लिखा जाएगा, तो हमें पता चला कि दिया कितने के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ रेस्पेक्ट में आप लोग क्या लीजिए, वन मोल ले लीजिए, एवोगैड्रो नंबर ले लीजिए। तो वन मोल को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक मॉलिक्यूल के मास से। मान लो हमारे पास मास क्या है, एक्स ए एम यू, ठीक है। तो हमारे पास वन मोल इंटू ए एम यू, इसका मतलब एक्स है ए एम यू एटोमिक मास यूनिट, उसको किसमें चेंज कर लें, ग्राम में। तो मैं सीधा ही कर सकता हूं वन डिवाइडेड बाई एन ए, तो वन डिवाइडेड बाई एन ए करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाता है, ग्राम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एक मोल, तो ऑक्सीजन का एक मोल में कितना मास होगा, 32, यानी कि 32 वा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक मोल है मेरे पास ऑक्सीजन का, उसका मास है 32। तो 32 को अब मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय एन ए से, तो ये मेरा आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया, 32 ग्राम में। इसका मतलब 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन ए नोट, सो आंसर इज 32 इंटू 1.6022 इंटू 10^23। तो ये जो आंसर आएगा ना मेरे पास ओवरऑल निकल के, ये आंसर कितना मिलेगा हमें, 32 इंटू 1.66 इंटू 10^-24। अब ये यूनिट किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्राम्स में। तो हम इस बात को क्या बोलेंगे, 32 ग्राम्स। मीन्स एग्जांपल और देखिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का हो गया 32 AMU, तो अब बन गया ये 32 ग्राम्स। इसी तरह से नाइट्रोजन 28 AMU, इसको बोल दिया गया 28 ग्राम्स। यानी वास्तव में ग्राम्स बना कब, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 इंटू 1.66 इंटू 10^-24 से, तब ये जाके इसमें कन्वर्ट हुआ, ग्राम्स में। अब देखो एक समझने वाली बात है कि AMU और ग्राम्स इसमें बेसिकली डिफरेंस कितना है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी होगी कि जब AMU को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि एटॉमिक मास यूनिट ग्राम के बराबर नहीं है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में। अगर रिप्रेजेंट कर दिया गया तो जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। छोटा क्वेश्चन और करके देखते हैं, अगर मैं कहूं कि वॉटर का मॉलिक्यूलर मास हो रही है, मॉलिक्यूलर मास, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए वॉटर के अंदर हम बात करें तो वॉटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैं बोलूंगा यहाँ पे 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम। तो वन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में है ये है भैया, वन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। बट मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास 18, यानी कि सॉरी यहाँ पे 18 AMU, 18 AMU वन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स। तो ग्राम्स में अगर मैं बात करूं कि किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू वन मोल, बेसिकली डिफरेंस होता है। देखिए जब वॉटर का मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा तो एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ 18 AMU, लेकिन जब मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ग्राम्स के अंदर, तो ये क्या हो जाता है भैया, 18 ग्राम्स, यानी 18 ग्राम विद रेस्पेक्ट टू वन मोल इसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 ग्राम एंड 3 आयंस, ठीक है, इन ए सैंपल,
अगर एक सैंपल के अंदर 28 ग्राम नाइट्राइड आयन है तो कैलकुलेट करना हमें मोल्स कितने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये बात भी पूछी जा सकती है। मॉलिक्यूल्स यानी कि इस पे चार्ज की बात भी करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछ लिया जाए, और मैं कहूं कि चार्ज भी आपको कैलकुलेट करना है। समझ में एक छोटी सी बात है कि मेरे पास नाइट्राइड आयन है 28 ग्राम, और 28 ग्राम को हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं उससे, भैया मोल्स कितने हैं, ठीक है, एटम्स कितने हैं ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें, और उसका टोटल चार्ज कितना है। तो सबसे पहले देखिए मोल्स की बात करूं तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला अगर आपको सीधी एंटिटीज दी जाए तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आ जाता है, लेकिन आपको अमाउंट दे दिया जाए ग्राम्स के अंदर तो हम बोल सकते हैं कैसे निकालेंगे मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास आपको दिया हुआ है कितना, 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है यानी कि यहाँ पे एटम दिया हुआ है, एटम आयनिक के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 14 हुआ, इसका मतलब 14 कितना मिला, 2 मोल, पहला आंसर आपका। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये भी फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो नाइट्राइड ही आयन बना, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए भैया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी 10 मोल, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है ये 1 मोल के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया यानी कि 2 मोल है मेरे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए टोटल कितने बढ़ेंगे 2 मोल, तो ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × एवोगैड्रो नंबर, यानी कि भैया हो गया 2 मोल, एक ही बात है 2 × एवोगैड्रो नंबर। अब हमारे पास 1 मोल के अंदर क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, नाइट्रोजन में 3 और ऐड कर दिए 10 हो गए, इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास, यहाँ पे 1 मोल तो था ही, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, तो मेरा आंसर कितना आ गया 20n, मतलब 20 × 6.022 × 10^26, मतलब 20 × 6.022 × 10^23 टोटल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए यहाँ तक, ठीक है। प्रोटॉन्स की बात करते हैं, देखिए प्रोटॉन्स कितने, तो प्रोटॉन्स के लिए मुझे नंबर ऑफ आयंस का पता होना चाहिए भैया, प्रोटॉन्स कितने होंगे तो कितने भैया मोल कितने बने थे टोटल, यानी कि 2na 2 × na, और प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन 1 में प्रोटॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें न्यूट्रल में 7 ही प्रोटॉन होंगे, हमने ऊपर तो क्या किया था इलेक्ट्रॉन सेल किए थे, तो 7 ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 × na मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 na। अब बात करते हैं भैया चार्ज कितना बढ़ेगा, तो देखिए चार्ज के लिए बात कर रहे हैं कितने मोल्स, सीधी सी बात है 2 × na, ये तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन्स है 3, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलाम, तो ये टोटल आंसर हमारा हो जाएगा। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक है और भी डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो देखते हैं और कॉन्सेप्ट में।